हेलो फ्रेंड्स, मी सहेली चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको आज नए तरीके से दाल बनाना सिखाऊंगी। वो है सहजन पत्ते का दाल। देखिए, मैंने सहजन पत्ता ले लिया है। इसे इस प्रकार से निकाल के और इसे साफ से धो के इसे पतला पतला कटिंग करके मैं दाल में डालूंगी। ये है मूंग का दाल। आप कोई भी दाल में बना सकते हैं। हल्दी, नमक, हल्दी और थोड़ा सा प्याज, जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं उसी तरह ये सब डाल के और दाल को पका के इसका जो मेन है वो इसका छौंक है वो मैं आपको दाल बनने के बाद दिखाती हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में मत हटाइएगा, तो आपको समझ में आएगा। इसको साफ से धोने के बाद इसे मैं कटिंग कर लेती हूँ। आप अपने खाना में ज़रूर कभी कभी शामिल किया कीजिए। इसको खाने से जो कमर में दर्द या हाथ पैर में दर्द रहता है उसमें बहुत आराम मिलेगा, दर्द ठीक हो जाता है। कभी कभी इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत फायदे वाली दाल है। नॉर्मल दाल में बस इसे डाल के इसे गलने तक पकाना है। इसके अंदर प्याज भी डाल दूंगी और कुछ भी नहीं। देखिए, दाल बनने के बाद इस तरह का लगेगा। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में डाल लेती हूँ। मैं इसका तड़का बनाऊंगी। मेरा वीडियो आपको यदि पसंद आता हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। दाल बनाने के लिए आप सॉफ्ट वाला पत्ता का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा कड़ा वाला पत्ता मत लीजिएगा, वो गलने में बहुत दिक्कत करेगा। तड़का के लिए ये मैं सूखी मिर्ची, थोड़ा हींग, जीरा, लहसुन कटा हुआ थोड़ा, ये अजवाइन है और एक प्याज है। आप जितना दाल बनाते हैं उसके अनुसार से ही ये सब डालें। नियम जात से कोई ज़्यादा कोई कम बनाते हैं उस अनुसार से मसाला का प्रयोग करें। अजवाइन, थोड़ा सा हींग, लहसुन के साथ प्याज, थोड़ा पक जाए उसके बाद मैं दाल में तड़का लगा दूंगी। देखिए, मेरा तड़का पक चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसे इस दाल में डाल देती हूँ। दाल ज़रूर बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी दाल बनेगा।
वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में।